और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी आज हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने काठ गोदाम स्थित सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता करते हुए बीजेपी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी का अपना एक एजेंडा है और उसी के तहत वो काम करती है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बीजेपी हर मोर्चे पर विफल साबित हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड वीरों की भूमि है, जहां हर घर से एक बच्चा देश की सेवा के लिए जाना जाता है, और वहीं अग्निवीर भर्ती के नाम पर ही यहाँ के नौजवानों को छलने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। हम नैनीताल और हरिद्वार दोनों लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को सीधे तौर पर टक्कर देंगे। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हम ये मानते हैं कि 500 के 500 सीट पर भाजपा हारने वाली है, और समाजवादी पार्टी का जो संगठन है या जो हमारा प्रभावी क्षेत्र हो सकते हैं वो नैनीताल लोकसभा और हरिद्वार लोकसभा हो सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि इस आधार पर बात हो सके, क्योंकि हरिद्वार में समाजवादी पार्टी का लोकसभा का एक बार सांसद रह चुका।